Welcome back to this channel. In this video we will start with question number 7 of exercise 13.1 from PSCB textbook class 7. Write the following numbers as power of 2. First part में हमें नंबर दिया है 8, तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 8 is equal to 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो आप इसको 2 की पावर की फॉर्म में कैसे लिखोगे? बेस आएगा 2, 2 की पावर आ जाएगी 3. बिकॉज 2 को आप 3 बार 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो बेस आएगा 2, 2 की पावर आएगी 3. 128 को आप कैसे लिख सकते हो? अगर देखो आपको ऐसे सीधा लिखने में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप ऐसे करो, 125 को ना यहाँ पर 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो. 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, देन 16 आ जाएगा. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4. ओके, सो यहाँ पर लिख दो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7. सो 2 को 2 के साथ आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, सो आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया. 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7. So 2 raised to the power 7. Okay. Next है 1024. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 into 2 64, 64 into 2 128, 128 into 2 256, 256 into 2 512, 512 into 2024. ओके, आप इस तरह से कर लेना. 1024 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, तो इस तरह से आ जाएगा. सो 2 की पावर क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 2 रेज टू द पावर 10. ठीक है, 2 को जितनी बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट. बेस आपका 2 आएगा बिकॉज आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हो. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.1. राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर ऑफ 3. सो यहाँ पर आपने गिवन नंबर को 3 की पावर की फॉर्म में लिखना है. पहला नंबर है 27, तो 27 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 3. क्योंकि हमने 3 की पावर लिखनी है ना, तो हम 3 को देखेंगे कि कितनी बार हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 3 3s are 9, 9 3s are 27. सो 3 की पावर आ गई 3, बिकॉज 3 को हम 3 के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 टाइम्स. नेक्स्ट है 2187. सो 2187 इसको 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो. 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 9s are 27. Then 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9. यहाँ पर आएगा 81, then 27, then 9, then 3. तो 3 को हम 3 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. So 3 raised to the power 7. So this was question number 7 and question number 8. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.